यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियां सदा। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियां सदा। वो हो ताली बजाते चले, डपली बजाते चले गाय हम प्रभु की महिमा। ओ हो ताली बजाते चले, डपली बजाते चले गाय हम प्रभु की महिमा। ओ हो हो देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में, प्रभु के मंदिर आंगन में, प्रभु के मंदिर आंगन में। आइए आज के पवित्र मिसा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे इजरायली जनता के बारे में और विशेष करके मूसा के बारे में। नबी मूसा जनता को एहसास दिलाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा प्रभु तुमसे क्या चाहता है। आगे बताते हैं वह यही चाहता है कि आप प्रभु पर श्रद्धा रखें, प्रभु के मार्ग पर चलें, प्रभु को सारे मन सारे हृदय से प्यार करें, प्रभु के आदेशों का पालन करें, नियमों का पालन करें, कभी हट धर्मी ना बने। इस तरह से एक एक बात को नबी मूसा इसराइली जनता को बताने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ आज मूसा सिर्फ उन्हीं लोगों को एहसास नहीं दे रहे हैं या एहसास नहीं दिला रहे हैं, बल्कि एक एक विश्वासी को एहसास दिला रहे हैं कि जब हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो हमें प्रभु के नियमों का पालन करना चाहिए, प्रभु पर 100% श्रद्धा रखना चाहिए, प्रभु को सारे मन सारे हृदय से प्यार करना चाहिए। आइए कुछ पल हम अपने आँखों को बंद करें, मन ही मन प्रभु से जुड़ें, अपने आप को जांचें परखें कि अब तक मैंने प्रभु पर विश्वास किया है, अब तक मैंने प्रभु के बारे में सुना है, वचन के बारे में मंथन मनन चिंतन किया है, लेकिन क्या हकीकत में मैं 100% प्रभु पर श्रद्धा भरोसा विश्वास करता हूँ या करती हूँ। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे और आशीष के द्वारा, आशीष के प्रकाश में रहते हुए हमारे अंधकारमय जीवन को भी देखने का प्रयास करें। जब जब हम प्रभु के नियम का उल्लंघन किए हैं, हम लोगों ने प्रभु को प्यार नहीं किया है। जब जब हम स्वयं के लिए निर्णय लिए हैं, हमने प्रभु को 100% प्यार नहीं किया है, प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखा है। आगे वचन में सुनेंगे, प्रभु ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, महान है, अत्यंत भीषण है, शक्तिशाली है। आइए हम संपूर्ण विश्वास उस शक्तिशाली प्रभु ईश्वर पर लगाएं। साथ ही साथ आइए अपने मन हृदय विचार जुबान को जांचें। इनके जरिए हम पाप करते हैं और पाप के द्वारा हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। पश्चातापी हृदय के पास प्रभु के साथ जुड़िए, माफी मांगिए और आइए बड़ी भक्ति के साथ, पश्चाताप हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गावे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन आमीन। आइए पुनः कुछ पल मौन रहते हुए अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के समक्ष लाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगढ़ होता जाए, हम वह राज्य प्राप्त कर सकें जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 से 22 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इसराइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो सारे हृदय और सारी आत्मा से, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उसके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारे ईश्वर हैं। उसने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांत बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाड़ी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इसराइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष, अल्लेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा
हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 17 वाक्यांश 22 से 27 तक। वे उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। पुत्र कर से मुक्त है। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनहूम आए थे। मंदिर के कर उघाने वालों ने पेत्रुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेत्रुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेत्रुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो, जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसके मुंह खोल दो, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम मौन रहें। हम लोगों ने दोनों पाठों को सुना है। प्रथम पाठ में हम लोगों ने सुना इजरायली जनता के बारे में, प्रभु की जनता के बारे में, और उन्हें कैसे आचरण करना चाहिए, उनके दैनिक जीवन में किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, उसके बारे में वर्णन है। हम भी अपने आप में देखें, मैं प्रभु का शिष्य हूँ, प्रभु का भक्त हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन क्या मेरा जीवन प्रभु के जीवन से मिलता जुलता है अथवा नहीं? ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों के बारे में। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, अपमानित होंगे, मार डाले जाएंगे और तीसरे दिन पुनर्जीवित होंगे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में मनुष्य के बीच में इसीलिए हुआ है ताकि हमें मुक्ति मिले उनके द्वारा, लेकिन ये तब जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ जुड़ते हैं। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि आने वाला समय में हम विश्वास और भरोसे के साथ निरंतर प्रभु से जुड़े रहें। मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करूँ।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को येसु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुदवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएँ बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन।
आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई वो सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डालें ख्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद।
बार बार कैसे करूं मैं धन्यवाद उपकार मिले प्रभु हजार गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार कैसे करूं मैं धन्यवाद उपकार मिले प्रभु हजार तुमको धन्यवाद कहते प्रभु कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद आज धन्यवाद